नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं टुडे स्टेटमेंट। आज से ठीक 50 साल पहले किसी इंसान ने चांद पर झंडा फहराया था। ऐसा करने वाले शख्स का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 की वो घटना सदी की सबसे बड़ी घटना के रूप में दर्ज हो गई। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। पाकीजा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। 1972 में बनी फिल्म पाकीजा के लिए गीत लिखते समय गीतकार कैफ भोपाली ने किसी इंसान को चांद पर शायद पहुंचने को गंभीरता से लिया होगा, सोचा भी होगा। संभव है कि उनकी कल्पना में उस गीत के बोल गूंज गए होंगे और फिर बन गया होगा वो मधुर गीत। जितनी अच्छी लाइनें उतनी अच्छी धुन, और उस पर चार चांद लगाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस सदी की सबसे बड़ी घटना को भुलाना आसान नहीं है। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं की चर्चा कम ही होती है, लेकिन हकीकत तो बदलेगी नहीं। और हकीकत यही है कि जिस चंदा को हमारे देश में मामा कहकर पुकारा जाता है, उस चंदा मामा को हमारे जैसे 3 इंसानों ने करीब से देखा था। वहाँ रुके, अपने देश का झंडा गाड़ा और उसे सलाम करते हुए फोटो भी खिंचवाई। अपने विशेष यान अपोलो लूनार मॉड्यूल ईगल से चांद की धरती पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। उनके 19 मिनट बाद बज एल्ड्रिन उतरे, जबकि तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कोलिंस यान में मौजूद रहे। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर 21 घंटे 31 मिनट बिताए। उस ऐतिहासिक क्षण का दुनिया के 33 देशों ने सीधा प्रसारण किया था। चांद की धरती पर झंडा गाड़ना बड़ा ही मुश्किल काम था, बावजूद इसके उन्होंने किसी तरह अमेरिकी झंडे को सलाम करते हुए फोटो ले ही लिया। 20 जुलाई 1969 आज की युवा पीढ़ी को याद होना चाहिए, बहुतों को याद भी होगा, लेकिन हमने इस सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की ताकि हमारी युवा पीढ़ी के जहन में वो याद एक बार फिर से ताजी हो जाए।